ये है 6 kg कैपेसिटी के अंदर कंट्रोल्ड वॉशिंग मशीन। इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो है टंबल वॉश, मीन्स कि जैसे जो पानी का लेवल होगा वो इसमें यहाँ तक होगा 11 लीटर कैपेसिटी के अंदर। कपड़ों को उठाया, पानी के अंदर फटका, जिससे कि जो कपड़े की वॉशिंग होगी वो हाइजेनिक वॉशिंग होगी, क्योंकि कपड़ा पानी के अंदर गिर रहे हैं, वॉशिंग की क्वालिटी हो जाती है। प्लस जैसे कि इसके अंदर इनबिल्ट हीटर रहता है, गर्म पानी आपने करना है 40 डिग्री 60 डिग्री, वो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जैसे वाइट कपड़े हैं उनके लिए नील ऐड करना है तो नील पहले ऐड कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, कपड़े डाले, प्रोग्राम लगाया और स्टार्ट, मशीन अपने आप पानी, वॉशिंग, रिंस, स्पिन सारा काम कंप्लीट करेगी। जो भी इसके दौरान इसका टाइम होगा वो डिस्प्ले में शो करेगा। डिले स्टार्ट का ऑप्शन आता है, सुबह 4 या 5 बजे का टाइम आपने सेलेक्ट किया मशीन के अंदर, मशीन उतना बजे वर्क करेगी जितने बजे का टाइम आपने सेट किया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपको वारंटी मिल रही है वो 4 साल कंप्लीट मशीन में मिलती है, बाकी जैसे ही जो कंपनी दे रही है ओनली आपको मोटर या टाइमर्स की वारंटी देती है 1 ईयर या 2 ईयर्स की। इसमें 100% कंप्लीट मशीन की वारंटी होती है, सर्विस का फिर बेटर है। और ये पहली ऐसी कंपनी है जो खुद मैन्युफैक्चर कर रही है आई के लिए, गोवा के अंदर इनका प्लांट है। और इनके जैसे कि जो अल्ट्रा सीरीज अभी लॉन्च, न्यू मॉडल्स लॉन्च हुए अभी सभी के अंदर वहीं पर हो गया। बाकी इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि 2 मॉडल्स आते हैं इस मशीन में, डिस्प्ले रनर सनरोटर एक्स और SX, वाइट और सिल्वर कलर का। जो फर्क आया है दोनों के अंदर वो आया है RPM स्पीड्स और कलर का। जैसे कि इसकी जो RPM स्पीड है वो 800 है, इसकी 1000 होगी जो कपड़े के सुखाने की रोटेशन है 1 मिनट में। जैसे कि इसके अंदर 800 राउंड, उसमें 1000 आप। बाकी बेसिकली फीचर जैसे कि सेम है। टू डी शावर सिस्टम प्रेशर से जो डिटर्जेंट वाला पानी है वो कपड़ों पर ऊपर गिरता रहेगा, जिससे कपड़ों की जो वॉशिंग होगी हाइजेनिक वॉशिंग होगी। जैसे चाय कॉफी का कोई दाग है, इंक का दाग है, वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। ये बबल वॉश टेक्नोलॉजी है डिटर्जेंट के, बहुत वो भी मशीन के अंदर फैलाते हैं, क्योंकि जब वो कपड़ों में फटेंगे तो जो मैल है वो बहुत जल्दी बाहर आएगा। प्लस जैसे इसका जो ड्रम है वो मून ड्रम आ गया, ये देखिए आप, बाकी जो कंपनी दे रही है ना वो सिंपल ड्रम दे रही है, जिससे कि जो कपड़े की वॉशिंग होती है वो ज़्यादा बेटर नहीं हो पाती। इसके अंदर जो कपड़े की वॉशिंग है वो बाकी से बहुत बेटर मिलेगी। किसी वक्त आप मशीन को बीच में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपने मशीन को पोज किया, 90 सेकंड के अंदर अंदर इसका जो पानी है वो नीचे वाले टैंक में चला जाएगा। उसके बाद दूसरा लोग कोई कपड़ा आपने ऐड करना है या निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। इसमें जैसे कि आपके कॉटन के कपड़े हो गए, मिल्क कपड़े हो गए, ये जींस के कपड़े हैं आपके, या हैवी कपड़े हैं, डेलीकेट्स कपड़े जो भी आपने ये प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट किया, आपने डिटर्जेंट वगैरह यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अंदर डिटर्जेंट ऐड किया आपने, प्रोग्राम लगाया और स्टार्ट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ईजी है आपका, ये 2 बटनों से ही पूरा काम कम्प्लीट सर्कल हो रहा है। उसके बाद मशीन का जैसे कि आप साथ के साथ आप डिस्प्ले में देख रहे हैं टाइमिंग क्या रहेगी, ये टाइमिंग साथ के साथ चलती रहेगी, जैसे कि आपको पहले जब पता चल जाएगा कि आपने कपड़ों को कितनी देर बाद निकालना है। फिर बेसिकली जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, स्पिन स्पीड अब अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 800 600 400 या 1000 जो भी आपने सेलेक्ट करना है। एक्स्ट्रा रेंज जैसे मशीन का जो प्रोसेस है तीन रेंजिंग का रहता है, इसमें आपने अगर 4 बार 5 बार जितनी रेंजिंग करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। रिंस होल्ड मीन्स कि जैसे कि आपने रिंस होल्ड पे लगाया, रिंस होल्ड तब लगाया जाएगा जब जैसे कि आपने मशीन को वर्किंग प्रोग्राम पे लगाया हुआ है, अचानक आपका घर से बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया तो आप चाहते हो कि मशीन यानी रिंजिंग से पहले बंद हो जाए, स्पिनिंग वगैरह कुछ भी ना करे, तो मशीन क्या करेगी फाइनल रिंस से पहले बंद हो जाएगी। जब आप रिंस होल्ड से हटाओगे उसके बाद स्पिनिंग स्टार्ट करेगी। बाकी जैसे कि इजी आयरिंग, कपड़े के अंदर बेसिकली रिंकल फ्री रहेंगे, सलवटें नहीं पड़ेगी। कैपेसिटी देख सकते हैं आप इसमें 6 kg के बाद थोड़ा 7 kg के अंदर इसके अंदर बड़ा साइज आ जाता है। प्लस जैसे कि जो 2D शावर सिस्टम है ना उसकी जगह इसमें 3D शावर सिस्टम आ गया। बाकी वारंटी कंप्लीट रहेगी 4 ईयर इसमें, और मूम ड्रम वगैरह ये सब कुछ सेम रहेगा। प्राइस जैसे कि जो आपको फाइनली कॉस्ट करता है, जैसे कि ये आपको पड़ती है 25,500 की, ये पड़ती है आपको 27,500 की। और बेसिकली जैसे कि अगर इसमें आप विदाउट डिस्प्ले वाला मॉडल लेते हो तो ये आपको पड़ती है 23,000। बेसिकली जो डिफरेंस आया ना
डिस्प्ले के अंदर मशीन का वर्किंग टाइम कितना है, वो सिंगल लूप से आपका ऑपरेट हो रहा है। इसके अंदर आपका जैसे कि ये आ गया मैकेनिकल लूप, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम के लिए, प्लस जैसे कि अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर सेट करना है 30, 40, 60 जो यहाँ से ये कोल्ड में आपने वॉश करनी है, ये फीचर है इसमें। और नॉर्मल जो अंदर की कैपेसिटी है वो सेम रहेगी। बाकी जैसे कि जो डेमो वगैरह है वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंजीनियर घर पे जाएगा, डेमो देगा आपको, सारे फीचर समझाएगा कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है, इसका कोई चार्ज नहीं है। बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टेक्नीशियन की मदद मिलती है और घर पे डेमो या प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती है।